अगली साइड से सीधा थोड़ा खींच। अरे एक साइड से खींचो, एक साइड से नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन विकास खंड कार्यालय से आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो 19वें दिन आज प्रवेश कर गई है। और जो हड़ताल है पिछले वर्ष जो हड़ताल आज से करीब 15 महीने पहले शुरू हुई थी उस दौरान 13 दिन तक हड़ताल चली थी और इस बार वर्तमान सरकार में 19वें दिन हड़ताल ने प्रवेश कर लिया है। और इसी बीच जिला प्रशासन ने जिला परिषद काडर के कर्मचारी जेई और तकनीकी सहायकों को भी अब नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में सरकार की ओर से, विभाग की ओर से, प्रशासन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि नोटिस इन कर्मचारियों को ऊपर बेअसर साबित हो रहे हैं, जिस तरह से यह कर्मचारी अपनी हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से CEO यानी ADM और ADC की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को लेकर उसको लेकर भी अब विवाद हो गया है। उसको लेकर विवाद इसलिए हो गया है कि जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इन नोटिसों को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है कि किस तरह से ADC द्वारा उन्हें नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उन्हें इसके लिए विश्वास में नहीं लिया गया, क्योंकि जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो मेन होते हैं और ADC को भी उन्हें ही, क्योंकि CEO ADC है तो उन्हें ही चेयरमैन को ही जवाबदेही देनी पड़ती, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो लेकिन चेयरमैन ने अब एतराज जताया है कि किस तरह से इन कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं, तो इसको लेकर अब बवाल पूरे सोलन में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हो चुका है। हर जगह पर जिला परिषद के जितने भी चेयरमैन हैं उन्होंने जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को जो नोटिस जारी किए गए हैं उस पर एतराज जताया है और उसका विरोध भी किया है संबंधित अधिकारी से कि क्यों उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। और आप देख रहे हैं सोलन की तस्वीरें हैं, जिला परिषद काडर के कर्मचारी लगातार अपनी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं पिछले 19 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और क्या उनकी आगामी रणनीति है उस पर चर्चा करने के लिए जिला परिषद काडर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जिला प्रशासन की तरफ से CEO जो जिला परिषद है, ADC या कई जगहों पर ADM भी है, उनके द्वारा जिला परिषद काडर के जो JE हैं और तकनीकी सहायक है अब उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उससे पहले पंचायत सचिवों को भी उन्होंने एक दिन प्रेस बाइट में भी ये कहा था कि ये हमारे कर्मचारी नहीं है, ये कर्मचारी है तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष उनके नोटिस में की नोटिस जारी हो रही है, उनको मालूम नहीं था इस बात का। जब से नोटिस हमारे जो है, हमने अपना स्पष्ट हमारा कहना है कि इसमें नोटिसेज आते रहेंगे और हमारा जो अभियान है वो चलता रहेगा। जब तक हमारी मांग को सरकार या कोई विभाग नहीं मानता है तब तक हमारी हड़ताल वो जारी रहेगी।
यदि हम आपकी हड़ताल को देखें, क्योंकि 15 महीने पहले भी आपकी हड़ताल हुई थी, 13 दिन तक, करीब 13 दिनों तक वो रही थी, उस दौरान आपकी हड़ताल में वर्तमान सरकार जो कांग्रेस पार्टी थे, कांग्रेस पार्टी के नेता खुले तौर पर आपके साथ मंच भी शेयर कर रहे थे। अब स्थितियां बदल गई है, कांग्रेस इस वक्त सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके फेवर में बातें तो कर रहे हैं लेकिन खुले तौर पर आपके साथ हड़ताल पर नहीं बैठ रहे जैसे कांग्रेस को देखने को मिला था। हमने कल भी एक हमारी प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें भी ये कहा था कि जितने भी विपक्षी के लोग हैं या कोई भी हमारे जो खिलाफ है इस टाइम, हमारा स्पष्ट कहना है कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारा एक सामाजिक मुद्दा है पूरे प्रदेश में। हमारी जो अपनी लड़ाई है सिर्फ सरकार के साथ है और सरकार इसको हमें उम्मीद है ये पूरा करेगी, और हम सभी से अपील करते हैं कि इसमें राजनीति इस जो हमारा जो आंदोलन इसको राजनीतिकरण इसका ना किया जाए। सिर्फ हमारी जो बात है सरकार के साथ हमारी सीधी बात है और सरकार हमें विश्वास है सरकार हमारी बात को देर सवेर जरूर मानेगी। पिछले काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि इस दौरान आपकी सिर्फ पंचायती राज मंत्री से ही बात हुई थी और उसमें कोई किसी तरह का समझौता नहीं हुआ था, हालांकि उन्होंने सब कमेटी बनाने की बात कही थी जिसे आप लोगों ने खारिज कर दिया था। तो इस दौरान विभाग के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है कि विभाग के अधिकारियों ने भी उदासीन रवैया आपके प्रति अपना लिया है? नहीं, विभाग की तरफ से अभी कोई हमें कोई बातचीत नहीं हुई है और विभाग तो अभी नोटिस ही भेज रहा है। एक्चुअली इसमें कहानी ये है कि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं, सरकार की बिल्कुल मंशा है इसमें कार्य करने की हमारा, लेकिन विभाग के जो अधिकारी, कुछ अधिकारी सभी तो नहीं है इसमें, कुछ अधिकारी और सरकार को गुमराह कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ये मामला है लंबा चला जा रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि जो हमारा जो मामला है उसमें शीघ्र अतिशीघ्र कोई फैसला ले ताकि जो हम वापस काम पर लौट सकें। यदि हम बात करें जिस तरह से निदेशक की तरफ से जितने भी CEO हैं और ADC हैं उनको लेटर पत्र लिखा गया था और उसमें कहा गया था कि वैकल्पिक इंतजाम करें JEE और तकनीकी सहायक की जगह पर, यदि नहीं होते तो नई भर्ती की जाए, तो कितना आसान लगता है नई भर्ती करना? नहीं, ये इतना आसान मुद्दा नहीं, यदि सरकार ऐसा ये कोई फैसला लेगी तो उसको अभी हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे क्योंकि इतने हमारे 4700 लोग हैं, पूरा परिवार हमारा 4700 लोगों का पूरा एकजुट है और ऐसी मुझे उम्मीद है कांग्रेस सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी अधिकारियों के दबाव में, क्योंकि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कोई ऐसे इतने दबाव में नहीं आने वाले अधिकारियों के कि जो इतना बड़ा फैसला लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात को मानेगी। आपकी हड़ताल लंबी खींचती जा रही है तो कर्मचारियों के ऊपर अब दबाव भी बनना क्योंकि विभाग के लगातार नोटिस आ रहे हैं, तो कुछ कर्मचारी घबरा भी रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। बिल्कुल, हमारी शाम को पूरे प्रदेश में सभी जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से बात होती है, हमारे कर्मचारी बिल्कुल अड़े गए जब तक अभी मांग को पूरा नहीं किया जाता। नोटिस जितने मर्जी आए, कल भी नोटिस जारी किए, सभी ने अपना रिप्लाई दे दिया है और कोई भी कर्मचारी हमारा जो है हड़ताल से पीछे हटने को तैयार नहीं है इस टाइम, क्योंकि विभाग द्वारा सभी जिलाधीशों से भी रिपोर्ट मांगी गई थी कि बताइए कि हड़ताल के बाद पंचायतों की क्या स्थिति है, तो जो रिपोर्टें गई है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि DC की तरफ से भी यही रिपोर्ट गई है कि पंचायतों में काम पूरी तरह से प्रभावित इस वक्त हो चुके हैं और आपदा का समय है तो ऐसे समय में दिक्कतें भी काफ़ी सारी प्रशासन को भी फेस करनी पड़ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जो ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने करी हुई इसका कोई भी फायदा नहीं है वो हो रहा है क्योंकि नीचे लेवल पे जो कर्मचारी हमारे इतने सालों से एक्सपीरियंस कर्मचारी वो कार्य कर रहे थे तो उनका अभी सरकार के पास कोई भी तोड़ नहीं है। अरे जो मर्जी बोले विभाग के, हमने अपने चौकीदारों को लगा दिया या ग्राम रोजगार सेवकों को लगा दिया या सिलाई अध्यापकों को लगा दिया, जब तक हमारे कर्मचारी वापस नहीं जाएंगे तब तक ये कार्य प्रभावित ही रहेंगे। ये सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने, विभाग ने एक सरकार को दिखाने के लिए कर दी है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो क्या रुख है अगला, कि हड़ताल पे ही रहेंगे कि इससे भी थोड़ा? बिल्कुल, हमारे जितने भी कर्मचारी है वही बिल्कुल एक बात पे अड़ी है, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तब तक जो है हम पीछे हटने वाले नहीं है और जितने भी पूरे प्रदेश में हमारे कर्मचारी है वो बिल्कुल बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए और हमारा जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है पूरे प्रदेश में, और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तब तक हमारा जो ये अभियान है चलता रहेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। जिला परिषद काडर की हड़ताल की वजह से, क्योंकि अब कर्मचारी पिछले 19 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं लेकिन इसकी वजह से जिला परिषद अध्यक्ष और ADC कम ADM, क्योंकि कई जगहों पर ADM भी है कई जिलों पर और कई जिलों में ADC तैनात हैं, उनके वो आमने सामने आ गए हैं नोटिस के मुद्दे को लेकर। अब नोटिस को लेकर बवाल हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है, जो जिला परिषद अध्यक्ष की तरफ से ADC को स्पष्टीकरण ADC से मांगा गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब यह कर्मचारी विभाग के नहीं है तो कैसे फिर विभाग के कहने पर उनके द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन्हें इसके
इसको लेकर उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जिला परिषद अध्यक्षों को यह जानकारी नहीं है कि जिला परिषद काडर के हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को किसी प्रकार के नोटिस जारी हुए हैं, क्योंकि पंचायत में हालांकि पंचायत सचिव की तरह की जगह पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं सरकार की ओर से प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन उसके जो जिस तरह से सभी जिलों के डीसी ने रिपोर्ट विभाग को भेजी है तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उसके वैकल्पिक व्यवस्था से भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां पर विकास की बात है तो विकास कार्य पूरी तरह से पंचायतों में ठप पड़े हुए हैं। यदि यह हड़ताल लंबी खिंचती है तो आपदा राहत पैकेज जो सरकार ने घोषित किया हुआ है उसे लागू करने में काफी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त जिला परिषद अध्यक्षों के रुख से खड़ी हुई है, जिन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया है कि उन्हें बिना कॉन्फिडेंस में लिए किस तरह से जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, और उन्होंने इसको लेकर एडीसी से अब स्पष्टीकरण मांगा है। सभी जिलों में यह स्थिति पैदा हो गई है और एक नया विवाद और बवाल हम कहेंगे कि सरकार के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जिला परिषद के सदस्य हो चाहे जिला परिषद के चेयरमैन हो, जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के समर्थन में पहले भी उतर गए हैं। उससे पहले जिला पंचायत प्रधानों की बात करें या बीडीसी सदस्यों की बात करें, वो पहले से ही जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। तो स्थितियां काफी नाजुक और गंभीर बनती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी चरमरा गई है इस हड़ताल की वजह से। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।